कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्राये सभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायणी उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः। श्री बादरायणी उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंध नहीं छठा स्कंध का दसवां अध्याय है प्रारंभ कर रहे हैं। होम प्रोग्राम में कुछ इसके पूर्व की कथाएं हो चुकी हैं तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि समस्त देवता वृत्रासुर के उत्पात से तंग होकर भगवान की शरण लिए, भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान प्रकट हुए और
देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा कि आप लोग दध्यंग मुनि के पास जाइए। दध्यंग को दधीची भी कहते हैं। मघवन जात भद्रम ते दध्यं चम ऋषि सत्तम विद्या व्रत तपह सारम गात्रम याचतम आचिरम। भगवान ने कहा हे मघवन, हे इंद्र, नवे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि हे मघवन, तुम जाओ सभी देवताओं के साथ, और कहाँ जाओ? दध्यंग ऋषि सत्तम, दध्यंग ऋषि, दधीची ऋषि के पास जाओ और जा करके उनसे उनका शरीर मांगो, देह मांगो, गात्रम याचत, गात्र को मांगो, और माचिरम, शीघ्र जाओ। यदि जीना चाहते हो तुम लोग तो जाओ उनसे शरीर मांगो उनका। और क्यों? विद्या व्रत तपह सारम, उनका शरीर बहुत बलवान है, विद्या व्रत और तपस्या से वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, दिव्य हो गया है। विद्या व्रत तपह सारम, विद्या व्रत और तप, ये तीन बहुत आवश्यक हैं। विद्या का अर्थ है वैदिक ज्ञान, वैदिक क्रियाएं, भगवान की आराधना विषयक, और व्रत का अर्थ है भगवान की भक्ति, और तपस्या का अर्थ है इंद्रियों को भोगों से दूर रखना। इससे दधीची मुनि का बल बहुत बढ़ा हुआ है, उनकी हड्डी में, उनके शरीर में बहुत शक्ति आ गई। ये स्वयं भगवान उपाय बता रहे हैं देवताओं के प्राण बचाने का। तो आप जाओ और शीघ्र उनसे मांगो। माँ चिरम, चिरम का अर्थ होता है विलम्ब से, माँ का अर्थ नहीं, जाओ देर करके मत जाओ, यहाँ से अपने घर मत जाओ, डायरेक्ट जाओ। भगवान के कहने का आशय आता है। अब ऐसे मत सोचो कि अच्छा देखेंगे, वीकेंड में जाएंगे, चाहे कोई छुट्टी, लॉन्ग डे छुट्टी होगी, लॉन्ग वीक, लॉन्ग वीकेंड, अगर तीन दिन का हो जाता है तो सो लॉन्ग वीकेंड। तो ऐसा मत करो, जल्दी जाओ माँ चिरम। तो और लोगों ने पूछा कि उनकी क्या विशेषता है कि उनके शरीर में इतनी शक्ति आ गई है। भगवान ने कहा कि सवा अधिगतो ब्रह्म, दधीची मुनि ब्रह्म का अध्ययन किए, ब्रह्म को प्राप्त हैं। यह ब्रह्म का अर्थ है मेरा एक कवच है, मेरा एक स्तोत्र है जिसे नारायण कवच कहते हैं, उसका उन्होंने बहुत अभ्यास किया है, बहुत अभ्यास किया है, मेरी भक्ति की है दधीची मुनि ने। और उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म का उपदेश किया, भक्ति का उपदेश किया। इससे प्रसन्न होकर के दधीची मुनि तयोर अमरताम व्यधात, दोनों अश्विनी कुमारों को अमर बना दिए, अर्थात नित्य जीवन दिए, भक्ति के बल से वे लोग शाश्वत जीवन प्राप्त किए। अश्विनी कुमार दो देवता हैं, और देवताओं में फिजिशियन, वैद्य, जैसे आप सुनेंगे वे मस्तक काट करके भी जोड़ सकते हैं, इतना बड़ा वैद्य। आजकल तो किसी का हाथ कट जाए तो उस हाथ को नहीं जोड़ पाएंगे, ओरिजिनल पैर को नहीं, वो प्लास्टिक वगैरह का बना कर कहते हैं काम चलाओ, ओरिजिनल नहीं जोड़ सकते। लेकिन दधीची मुनि इस तरह बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। तो जदवा अश्व शिरो नाम तयोर अमरताम व्यधात, दधीची मुनि ने जिस ब्रह्म विद्या का, भक्ति का उपदेश किया अश्विनी कुमारों को, उस विद्या को, भक्ति को अश्व शिरा विद्या कहा गया है उपनिषदों में, अश्व शिरा विद्या, क्योंकि दधीची मुनि ने
अश्व के सिर से, घोड़े के मस्तक से उस विद्या का उपदेश किया था अश्विनी कुमारों को। तो यह घटना इस प्रकार की है, एक बार दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं वे दधीची मुनि के पास आए। यह जानते थे कि दधीची मुनि ब्रह्म विद्या में पारंगत हैं, भगवान की भक्ति में, और हमें उपदेश करेंगे। तो वे दोनों आए, आकर के दधीची मुनि से प्रार्थना किए कि कृपया आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें और हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। इस बात का पता इंद्र को लग गया। इंद्रदेव सदा अश्विनी कुमारों को हीन समझते थे और सोचते थे कि ये लोग किसी बहुत बड़े वैष्णव का शिष्य न बन पाए, नहीं तो इनका मान बहुत बढ़ जाएगा, ये ब्रह्म विद्या न प्राप्त करें। ऐसे जस्ट डॉक्टर हैं, बस यही काम करते रहें, शल्य चिकित्सा सर्जरी करें बस। लेकिन अश्विनी कुमार बहुत तत्पर थे कि हम किसी वैष्णव का शिष्य बने और भगवान की भक्ति करें। भक्ति करने पर भक्त का मान बढ़ता है संसार में, और इंद्र नहीं चाहते थे। इंद्र इन लोगों को कभी भी देवताओं के साथ एक लाइन में भोजन नहीं करने देते थे, सोमपान नहीं करने देते थे। देवता होकर कभी बहिष्कृत थे उस समाज से। तो ये दोनों आए, दधीची मुनि से प्रार्थना किए कि आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, भक्ति का उपदेश कीजिए। तो उस समय एक यज्ञ कर रहे थे छोटा सा दधीची मुनि, भगवान की पूजा। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूँ, आप लोग कुछ देर के बाद आइए। इस बात का पता इंद्र को लग गया कि ये दोनों अश्विनी कुमार दधीची से इनिशिएशन लेने गए हैं। उनको ये पता लग गया और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने गए। तो तुरंत इंद्र आए दधीची मुनि के पास, उन्हें पूछा कि दोनों अश्विनी कुमार आपके पास आए थे? इंद्र ने कहा कि हाँ। क्या उद्देश्य था उनका आपके आने का? तो वे भक्त बनना चाहते हैं और ब्रह्म विद्या भक्ति करना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा सावधान रहिए, आप उनको कभी ब्रह्म विद्या का उपदेश मत कीजिए, और सुन लीजिए, यदि आपने मेरे वचन की अवहेलना करके उनको भक्त बनाया और उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया तो मैं आपका मस्तक काट दूंगा, कभी मत उपदेश कीजिए। यह कहकर इंद्र चले गए। तो फिर अश्विनी कुमार आए दोनों कुछ देर के बाद दीक्षा लेने के लिए, भक्ति का अभ्यास करने के लिए। तो उन लोगों ने जो प्रार्थना किया तो दधीची मुनि ने कहा कि अभी अभी इंद्र आए थे, इंद्र ने मुझे चेतावनी दी कि उनको शिष्य मत बनाना, उनको भक्ति का उपदेश मत करना, अन्यथा मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। अब हम क्या करें, वचन तो दे चुके हैं कि हम आप लोगों को भक्ति का उपदेश करेंगे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा काम हम करते हैं कि आपका यह जो मूल मस्तक है उसको हम काट कर रख लेते हैं फ्रिज में, इसको हम काट कर रख लेते हैं, और घोड़े का मस्तक काट कर आपके शरीर पर जोड़ देंगे। तो उस मस्तक से आप उपदेश कीजिए हम लोगों को, घोड़े के मस्तक से, अश्व के मस्तक से। और जब इंद्र क्रोध में आएंगे तो आपका वो घोड़े का मस्तक काट देंगे, इसके बाद हम ओरिजिनल मस्तक आपका जोड़ देंगे। इस तरह की व्यवस्था हुई। मतलब दधीची मुनि जानते थे इनके प्रभाव को, और शरीर में उनकी कोई आसक्ति भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है काटिए। दोनों अश्विनी कुमारों तो शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में सुप्रीम है, उन्होंने तुरंत उनका मस्तक काट करके रख लिया और घोड़े का मस्तक काट कर जोड़ दिया। कहीं जंगल में घोड़ा होगा तो बिल्कुल जीवित ही रह गए दधीची मुनि। तो उस अश्व के मुख से उन्होंने भक्ति का उपदेश किया
इसीलिए ब्रह्म विद्या को, भक्ति को अश्व शिरा विद्या कहा जाता है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विस्तार से इसको लिखा। तो अश्विनी कुमारों को उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इंद्र को पता लगा कि जो मैं मना किया था वो दधीची माना नहीं, उपदेश दे ही दिया। वो आए तलवार लेकर के क्रोध में और दधीची का मस्तक काट दिए। दधीची का मस्तक काट दिए तो इसके बाद कुछ देर के बाद अश्विनी कुमार आए तो उनका मस्तक जो ओरिजिनल था उसको फिर जोड़ दिए। कोई चिन्ह नहीं पड़ा गर्दन में, दम लकीर भी नहीं, ओरिजिनल सेट हो गया बिल्कुल। और घोड़े का मस्तक घोड़े को जोड़ दिया, वो भी जी गए। इसलिए ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा विद्या कहते हैं। तो इस तरह दधीची मुनि की महिमा है। भगवान ने ये कथा देवताओं को सुनाया कि ऐसे ऐसे उन्होंने भक्ति का उपदेश किया था। तो आप लोग जाइए, फिर भी तब देवताओं ने पूछा कि आखिर उनका शरीर लेकर हम क्या करेंगे। क्या शरीर लेकर करेंगे? तो भगवान ने कहा कि उससे एक अस्त्र बनेगा, उनके हड्डियों से, अस्थियों से अस्त्र बनेगा और उसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। जिस पर सारे अस्त्र फेल हो गए थे, सभी अस्त्र शस्त्रों को खा गया था, उसको दधीची की हड्डी से बना हुआ अस्त्र मार सकेगा। अद्भुत लोग हो गए हैं इस विश्व में, नहीं तो हड्डी में क्या शक्ति है? कहीं कोई मारे लाठी टूट जाता है हाथ या फेंक दिया जाता है, किसी की हड्डी को कोई छूना भी नहीं चाहता। तो पता लग जाए किसी को कि हमारे घर में किसी की हड्डी है तो निकलवाना चाहेगा। लेकिन दधीची मुनि की अस्थि की क्या कीमत थी? फिर भी देवताओं ने कहा, इंद्र ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि वे अपना देह देंगे मांगने पर। कौन देह देगा? सबको देह बहुत प्रिय। तब इंद्र को भगवान कह रहे, देखिए विपत्ति में क्या करना पड़ता है। इंद्र कह रहे थे नहीं, वो नहीं देंगे। तब भगवान ने कहा कि अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं, उनको ले करके जाओ मांगो। उनको आगे करके तो शिष्य प्रीति से वे दे देंगे। अश्विनी कुमार यदि कहेंगे कि गुरुदेव दे दीजिए अपना दे, तो वो दे देंगे। ले जाओ अश्विनी कुमारों को साथ में। मौके पर झुकना चाहिए वास्तव में। अब इंद्र या नहीं कहेगा, नहीं नहीं हमको मत भेजिए, मैं किस मुख से जाऊंगा उनसे देह मांगूंगा, मैं तो उनका गर्दन एक बार काट चुका हूँ। वो नहीं कहे, भगवत आज्ञा माननी चाहिए। इंद्र कुछ भी है लेकिन भगवान के दास है, आज्ञाकारी दास। भगवान ने कहा कि जाइए और दे देंगे, अश्विनी कुमारों को साथ लेकर जाइए और उन्हीं से मंगवाइएगा। या अश्विनी कुमार केवल खड़ा रहेंगे तो दे देंगे, शिष्य प्रत्या सदा देंगे। और उनके अस्थियों से ततस्तय रायुध श्रेष्ठ विश्वकर्म विनिर्मित, विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके हड्डियों से अस्त्र बनेगा, उस अस्त्र से वृत्रासुर का वध हो जाएगा। और आप लोगों का जो भी अस्त्र शस्त्र खा गया है वो सब ज्यों का त्यों मिल जाएगा, उसका पेट फाड़ दिया जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। मतलब कि पचा नहीं पाया था। क्या लोहा क्या पचेगा भीतर, सबको खा गया था। भगवान ने कहा कि सब मिल जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि वो बहुत बड़ा शरीर वाला है, बहुत खतरनाक है, हम लोगों को ही मार देगा, हम क्या मारने जाए उसे। तो भगवान ने कहा न हिंसन्ति च मत परान, मेरे भक्तों का कोई वध नहीं कर सकता है, आप सब मेरे भक्त हैं और वैसे वृत्रासुर भी मेरा भक्त है, वो आप लोगों का वध नहीं करेगा। केवल हौज पौज कर रहा है, दिखा रहा है, आप लोगों को मारेगा नहीं, आप चिंता मत करो। न हिंसन्ति च मत परान, मेरे भक्तों से उसको प्रेम है, वो मारेगा नहीं। आप लोग घबरा गए हैं कि वो जान नहीं छोड़ेगा, मारेगा नहीं, मारेगा नहीं,
आपका कल्याण होगा, जाइए।